हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर 888 या फिर 8888 को लेकर। ठीक है जी, डियर्स, एंजल नंबर 8888 या 888 मानकर चलिए अबंडेंस का नंबर है। इस टाइम पर डायरेक्ट एंजल्स आपको दोनों हैंड से एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं और दोनों हैंड से एनर्जी सर्व करते होते हैं, आपको बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ के जिन भी मुद्दों से पुराना डील करते हुए आ चुके हो उनकी हीलिंग होने वाली है। ठीक है, जो आपके विशेष है ना वो इस टाइम पर जरूर से मैनिफेस्ट होती होंगी। ठीक है, 808 की प्रोजेक्शन या 888 की डायरेक्ट, एक्चुअल में 888 का जो वाइब्रेशन है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है डियर। 8 नंबर को अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो इन्फिनिटी का सिंबल बनता है। ठीक है, अब इन्फिनिटी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये ज्यादा अबंडेंस को आपकी लाइफ में लेकर आता है। इस टाइम पर आपको ऐसा जरूर लगता होता होगा अपनी लाइफ में, फील की जगह अभी भी जिन सोल्स को ऐसे नंबर नजर आ रहा है 888 या 8888, तो उन सोल्स को ऐसे नंबर नजर आता होगा, सॉरी ऐसा फील होता होगा हम लोगों को कि यस चीजें तो बिगड़ी हुई हैं बट फिर भी कुछ है जो मुझे संभाल लेगा, फिर भी कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरे करीब है और मुझे वो बहुत मेंटल पीस देते जा रही है। ठीक है, यानी कि आपकी सोल को बाहर से चीजें बिखरी हुई रहती, इस टाइम पर बहुत स्ट्रगल किए हुए आप होते हो, मेंटल कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज में होते हो, डिसीजन नहीं ले पाते होते और डिसीजन सही आपको लोग लेने में मदद कर सके ऐसे लोगों की भी कमी लाइफ में होती है। ठीक है, बट 888 आपको डायरेक्ट बोलता होता है कि ठीक है आपने जितना सहना था सह लिया, अब डिवाइन आपको देख रहे हैं, अब डिवाइन आपके कंट्रोल लेने वाले हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर उन सोल्स का जो कोई अवेकनिंग के बाद सेल्फ लव के प्रोसेस में है, बाकायदा इनको एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस से गुजारा जाता है और इस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस में जो सोल्स जानते हैं कि वो क्या कहना चाहिए, वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उस जर्नी के बारे में इनको पता लगाया जाएगा, जो जो जो, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन जर्नी के बारे में इनको पता लगाया जाएगा, इनको क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ का क्लैरिटी, बॉडी का क्लैरिटी, सोल का क्लैरिटी, डिटेल में इनकी लाइफ में क्लैरिटी आती होती है। साथ में 3D में जो भी विशेष को पहले इन्होंने मांगा होता है, ठीक है, वो विशेष इस तरह से इनकी लाइफ में कनेक्ट कर रही होती है, उन विशेष के साथ से इनकी जो है मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इनकी बॉडी का स्ट्रेंथ, इनका जो स्पार्क है एनर्जी का, ऑरा का, वो बढ़ते चले जाता है और ये बहुत सरीन वाइब्रेशन में आते चले जाते हैं। डियर, इन सोल्स को मैसेज है डायरेक्ट कि अगर आपको अभी भी आप स्ट्रगल से जूझ रहे हो, 3D में सब कुछ ऐसा है पर जब आप आंख बंद करते हो आपको बहुत शांति फील हो रही है, आपको बहुत डिवाइनली गाइडेड टच फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है कुछ है जो मुझे बचा लेगा, कुछ है जो चीजों को हैंडल कर रहा है, कुछ है जो मेरे विपरीत हो रहा है, इन परिस्थितियों के विपरीत हो रहा है। बाकायदा ऐसी सोल्स रिसीवर बनिए, हैंड्स है, इनको ओपन रखिए, पोर्सेस को ओपन रखिए, जिससे क्या होगा लगातार आप आने वाली अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कर पाओगे। ठीक है जी, आई होप मैं आपको सही ढंग से क्लियर कर पाई हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज होती है डियर्स एंजल नंबर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर से बताया करें, और यस आपको जो भी पूछना होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में रीड करती हूँ बाकायदा। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।